तीसरे चरण के लिए नामांकन का काम पूरा होने के साथ ही चुनाव प्रचार तेज हो गया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अब महज एक हफ्ता बचा है। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के देहरादून में रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अगस्ता वेस्टलैंड डील पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि आपको याद होगा कि आपका ये चौकीदार हेलीकॉप्टर घोटाले के कुछ दलालों को दुबई से उठाकर ले आया था और दूसरे दलालों से भी पूछताछ हुई है। इसके आधार पर दायर चार्जशीट के अनुसार हेलीकॉप्टर घोटालों के दलालों ने जिन्हें घूस दी है उनमें एक एपी और दूसरा एफएएम है। इटली के इस मिशेल मामा और दूसरे दलालों से एजेंसियों ने कई हफ्ते पूछताछ की है, जिसके आधार पर कोर्ट में एक चार्जशीट दायर की गई है। मैं मीडिया में देख रहा था कि हेलीकॉप्टर घोटाले के दलालों ने जिन लोगों को घूस देने की बात कही है उनमें से एक एपी है, एपी, और दूसरा एफएएम है, फेम। इसी चार्जशीट में कहा गया है कि एपी का मतलब है अहमद पटेल और एफएएम का मतलब है फैमिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में महामिलावट की सरकार थी और यहां सपा की सरकार थी तो एक प्रयोग इन्होंने मुजफ्फरनगर में भी किया था, जात पात बिरादरी के आधार पर कैसे जुल्म हुए, बेटियों के साथ क्या क्या अन्याय हुआ वो सबको याद है। बहन जी उन दिनों को अपने स्वार्थ के लिए भुला सकती हैं लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं भूल सकता। सपा की सरकार थी तब एक प्रयोग इन्होंने मुजफ्फरनगर में भी किया था, जात पात बिरादरी के आधार पर कैसे जुल्म हुए, बेटियों के साथ क्या क्या अन्याय हुआ, कितना अत्याचार हुआ, वो सब याद है ना? याद रखोगे ना? बहन जी उन दिनों को अपने स्वार्थ के लिए उन दिनों को भुला सकती है लेकिन क्या उत्तर प्रदेश भुला सकता है? क्या उत्तर प्रदेश भुला सकता है? क्या इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरोहा में भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकियों को उन्हीं की बातों में जवाब देना हमारे देश के ही कुछ लोगों को परेशान कर देता है। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पूर्वोत्तर दौरे पर रहे। बीजेपी अध्यक्ष ने आज मणिपुर के थोबुल में एक जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए की सरकार आने के बाद पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में सड़क, रेल और हवाई मार्ग का विकास कर रहा है। 2022 तक ये सारे राज्य परिवहन के इन तीनों साधनों से पूरी तरह से देश से जुड़ जाएंगे। चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे आईटी की कनेक्टिविटी हो, हर कनेक्टिविटी की दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटी देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य 2022 के पहले रेलवे से, एयरपोर्ट से और रोड से जुड़ जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट भारत का अभिन्न अंग बनकर आपका अधिकार पूरे भारत पर बढ़ने वाला है।
और इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल में शांति लाने का काम किया है। ईटानगर को दिल्ली से जोड़ने के बाद हमने युवाओं के लिए बेहतर मौके उपलब्ध कराए हैं। राज्य में तकरीबन हर नदी पर पुल बनाकर राज्य के लोगों को कनेक्टिविटी की सुविधा दी है। राज्य में सड़क सुविधा बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अरुणाचल को अलग से एम्स दिया गया है। 5 साल पहले नॉर्थ ईस्ट की स्थिति देखिए क्या स्थिति थी। 5 साल पहले अपना यह नॉर्थ ईस्ट अशांति से ग्रस्त था, विकास का कहीं नामो निशान नहीं था, भ्रष्टाचार, दल बदल, अस्थिरता, ये सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट के विकास को रोक कर खड़ी थी। 5 साल के बाद आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर कहीं बम के धमाके, बंदूक की गोलियों के धमाके सुनाई नहीं पड़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति लाने का काम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते पर है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्थिरता लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और इसके अलावा अपने पूर्वोत्तर दौरे में असम भी पहुंचे अमित शाह और चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पुणे में उन्होंने छात्रों से मौजूदा राजनीति और सियासी हालातों पर बातचीत की। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि ये उनका या पार्टी का घोषणा पत्र नहीं बल्कि देश के हजारों लोगों की अभिव्यक्ति है, क्योंकि हर वर्ग के लोगों से बातचीत करके इस घोषणा पत्र को तैयार किया गया है। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हिम्मत सच से आती है, जब आप सच के साथ होते हैं तो आपको गलत से लड़ने की हिम्मत आती है। Is not really our manifesto, because it has come from thousands and thousands of conversations like this. So it is an expression not of the Congress party, but of the people of India. We have gone to students, we've gone to farmers, we've been to gone to youngsters, doctors, lawyers, all the stakeholders of this country, and we've spoken to them and we've asked them what they think. And they have told us. The 72,000 rupee idea, by the way, hasn't come from us. It has come from the people of India. So we listen and then we try to implement. I don't like making empty promises. I don't like making sweeping statements. I like saying what is possible. Sometimes that doesn't look as exciting as, you know, just saying whatever you feel like, but that's what I like to do. और दूसरी तरफ गाजियाबाद में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज पार्टी प्रत्याशी डॉली शर्मा के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो की शुरुआत घंटाघर से हुई। रोड शो में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। इसके बाद वो रमते राम रोड की ओर निकली। रमते राम रोड से डासना गेट जटवाड़ा होते हुए मालीवाड़ा चौक पर उनका रोड शो समाप्त हुआ। मैंने जगह जगह कहा है कि वोट आपका सबसे बड़ा हथियार है, लोकतंत्र आपकी सबसे बड़ी मजबूती है। जो लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दुर्बल बने, सत्ता आपके हाथों में नहीं हो। वो चाहते हैं कि सारी सत्ता उनके हाथों में हो। तो आप अच्छी तरह से बात को समझिए, लोकतंत्र का मतलब है सत्ता आपकी है। आइए रुक कर लेते हैं हम गाजियाबाद का। हमारे संवाददाता नव विक्रम सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत कर गाजियाबाद सीट का हाल जाना, देखते हैं। प्रियंका गांधी यहां जो कांग्रेस की उम्मीदवार है उनके समर्थन में यहां पर उतरी हैं। यहाँ 11 मई जो अप्रैल को मतदान होना है, प्रथम चरण में मतदान होना है, उसके मद्देनज़र कांग्रेस चाहती है कि जो वेस्ट यूपी में आगाज़ हो
वो मजबूती से हो, इसी के तहत गाजियाबाद को चुना गया है। इतने से उत्साह देख रहे हैं क्या जो आपके कार्यकर्ता है। हम राहुल गांधी जी का धन्यवाद देते हैं, उनको प्रियंका गांधी जी को देश को दिया, पार्टी को देने का काम किया। प्रियंका गांधी का स्वागत गाजियाबाद के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उत्साह देखने को जरूर मिल रहा है कार्यकर्ताओं में। ये देखना दिलचस्प होगा कि वोट में ये उत्साह कितना तब्दील हो पाता है। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह उम्मीदवार हैं, वहीं जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं सुरेश बंसल, वो यहां से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी यहां के जो सियासी समीकरण है उसे बदलने में अहम भूमिका निभा सकता है। देखने वाली बात होगी कि प्रियंका को मिलता हुआ समर्थन वोटों में तब्दील हो पाता है या नहीं। गाजियाबाद सीट के बारे में कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होगा, सीट से जानकारी मिल जाती है। नवविक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवविक्रम, जानना चाहेंगे आपसे कि कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा कितना भारी लग रहा है, खासतौर पर प्रियंका गांधी जिस तरह से रोड शो के जरिए जान डालने की कोशिश कर रही हैं। डॉली शर्मा वहाँ से एक यंग कैंडिडेट है, कैसे देख रहे हैं आप कांग्रेस की स्थिति को गाजियाबाद सीट से? अभिलाषा, अगर गाज़ियाबाद सीट की बात करें, एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। जनरल वीके सिंह यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने पिछली बार एक बड़े आंकड़े से जीत दर्ज की थी, 5 लाख से करीब वोटों से वो जीते थे। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी का वहां होना निश्चित तौर पर मुकाबले को त्रिकोणीय तो बनाता है, लेकिन अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो वहां से राज बब्बर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़े थे और कोई खास करिश्माई वहां पर कुछ नहीं कर पाए थे। ऐसे में यहां पर इस बार कोशिश है कांग्रेस की कि अपने यहां से अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाया जाए, क्योंकि कांग्रेस की पूरे वेस्ट यूपी में, अगर गाजियाबाद के अलावा वेस्ट यूपी में भी बात करें, तो कांग्रेस की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बड़े चेहरे मैदान में उतारे जाएं, और साथ ही प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान सौंपी गई है कि जो उनका काडर है, कम से कम जो उत्साह उन लोगों में हतोत्साहित हो चुका था 2014 की हार के बाद, उसमें उत्साह फूका जाए। तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस एक निश्चित तौर पर मुकाबले को त्रिकोणीय तो बनाती है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो वोटों में कितना तब्दील करवा पाते हैं, आप जनता तक अपनी बात कितनी पहुंचा पाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अभिलाषा जी, बिल्कुल आप बने रहिएगा नवविक्रम हमारे साथ। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन के विचार के साथ हम चुनाव में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि अमीरी गरीबी की खाई बेहद गहरी हो चुकी है, हम सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखेंगे। सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन एक नई दिशा, एक नई उम्मीद के साथ अपने लक्ष्य तय किए हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बिना प्राइमरी एजुकेशन को ठीक किए कुछ सही नहीं हो सकता, हम तो किसान का पूरा कर्ज माफ करने के पक्ष में हैं। बिना महिलाओं को बराबर का सम्मान दिए विकास अधूरा है। सपा ने अपने घोषणा पत्र को विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया है। कि किसान खुशहाल तभी होगा जब उसका पूरा का पूरा कर्ज माफ हो जाए। समय समय पे जो जो सरकारें चुनाव में गईं, उन्होंने वादे किए किसान को और कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन नियम ऐसे बना दिए कि किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए। हम उदाहरण में नहीं जाना चाहते, ना उत्तर प्रदेश के उदाहरण में जाना चाहते हैं, ना मध्य प्रदेश के उदाहरण में, लेकिन किसान का पूरा कर्ज माफ हो, इस पक्ष में हम लोग हैं। दूसरी तरफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिया जाएगा, साथ ही सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करने पर विचार किया जाएगा। और यह प्रसपा अगर सत्ता में आई तो कानून बनाकर जातिगत जनगणना उस पर आधारित आरक्षण को लागू किया जाएगा, जो लोहिया के विशेष अवसर के सम्मान सिद्धांतों के अनुरूप होगा। निजी क्षेत्र में भी आरक्षण नौकरियों में कमजोर वर्ग के लिए सिर्फ आरक्षण से सामाजिक समानता और मौकों की समानता की लक्ष्य को पाया नहीं जा सकता,
वंचितों के सशक्तिकरण की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र पर भी है। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र के अनुरूप निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। नवविक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवविक्रम, सपा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी दोनों की ओर से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या शिवपाल यादव सरीखे सीनियर नेता के अलग हो जाने के बाद अपनी पार्टी के जरिए क्या वोट की दिक्कत हो सकती है, वोट काटेंगे वो सपा की? आप उत्तर प्रदेश पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, बताइए क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने में, किस तरह की स्थिति बन रही है? अभिलाषा, देखिए सबसे पहले ये देखना अहम होगा कि 2014 दोनों नेता जातिगत समीकरणों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की ओर से हो या शिवपाल यादव की तरफ से। तो 2014 में एक तरह से हमने देखा था जब चुनाव के नतीजे आए थे तो जातिगत समीकरण पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए थे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरण अहम बहुत मायने रखते हैं, खासतौर पर जो क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए। तो ऐसे में एक बार फिर कोशिश है लोक लुभावन करने करके कि जातिगत अपनी जाति के जो वोट हैं, जो कैडर वोट हैं, उसे एक बार फिर पार्टी के पाले में लाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने, जैसा कि आपने कहा कि शिवपाल यादव ही पेश कर रहे हैं, क्योंकि शिवपाल यादव माना जाता है कि जमीनी नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो भी खुद मानते हैं कि एक जमीनी नेता हैं, लेकिन बगावत के बाद जो, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं, तो बगावत के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो वोट है, जो दूर दराज इलाकों में है, जो गाँव देहात में वोट है, उस पर एक बड़ा डेंट कर सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो अपने बागी नेता हैं, जो शिवपाल यादव परसपा जिन्होंने पार्टी बनाई है, उनसे निपटना होगा। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति में बात करें, कि कांग्रेस की तरफ से बागी हो या फिर बीएसपी की तरफ से बागी हो या समाजवादी पार्टी, क्योंकि टिकट जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो कम सीटें, जितनी पहले सीटों पर लड़ा करते थे उससे कम सीटें गई हैं। तो ऐसे में जो बागियों की संख्या उत्तर प्रदेश में ज्यादा है और वो शिवपाल यादव के खेमे में कई लोग जा चुके हैं, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसके नतीजे निकलते हैं। बिल्कुल, ये चुनौतीपूर्ण होगा अखिलेश यादव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातों पर जानकारी हमें देने के लिए। आइए यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद, ब्रेक से पहले आपको एक और अहम खबर बता दें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ने एनआरसी और नागरिकता बिल को केंद्र सरकार की ओर से दी गई लॉलीपॉप करार दिया है। आज असम में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रही ममता बनर्जी धुबरी में रैली उन्होंने की और एनआरसी और नागरिकता बिल के नियमों को साजिश करार दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों को गुमराह करने के लिए ये दो लुभावने कदम उठाए हैं।